आज मेरे कदमकंडी आश्रम में मेरे गुरुद्वारा संत श्री आसाराम जी बाबू के द्वारा जो भंडारा हुआ है उन्हें हजारों लोगों ने इसने लाभ मिला है। दरेक लोगों को तेल है, कापड़ है, खजूर है और स्टील की थाली है, वो मेरे गुरुजी की ओर से सबको प्रसादी में बांटी गई। हजारों लोगों ने मेरा लाभ लिया, बहुत बड़ी मजा आई और सारे लोग खुश हुए। ज्योत्सना बहनदी जी ने अच्छा अच्छा सत्संग दिया, सब लोग खुश हो गए और भगवान के नाम पर ताली बजा के आनंद आनंद बापू मेरे गुरुदेव की जय हो। तुलसीदास बाबा कहे छे कि सफर छे ते जीवन के जे जीवन में सत्संग ने हरि कथा छे, सत्संग ना ते संस्कार अने हरि कथा आपने भक्ति थी पुष्ट करती हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ઘણા સંપ્રદાયનો પ્રોગ્રામ હતા, પણ જ્યારે બાપુનો પ્રોગ્રામ થાય ત્યારે તો કંઈ એની રોનક અલગ જ રહેશે। બધું ભોજનનો શીરો મળ્યો, સબ્જી મળી, ચાવલ મળ્યા અને અમે પ્રસાદનો પણ જે ખાવા માટેની થાળી મળી અને આ ખજૂર મળ્યું, ત્યાર પછી થોડા સાહિત્ય વાંચવાનો મળ્યો અને ત્યાર પછી આ પહેરવા માટેના છોકરીઓ નાના માણસો ને અમને શેટ પણ મળ્યા। આમ બધી ઘણી રીતે સહાય કર્યું અમને બધી રીતે। જે પૂજ્ય બાપુજી આપના માટે સહસને ભેટ મોકલાવી છે તેમના પણ આપ દર્શન કરતા રહ્યો। સરસ મજાના તે સ્ટીલના વાસણ અને વાસણની સાથે હોળી પર્વ નિમિત્તે આપણા માટે મીઠાઈ છે અને હોળી પર્વ નિમિત્તે તેલ, જીવન ઉપયોગી વસ્ત્ર, ત્યારબાદ આપણા ઘરમાં એક દિવ્ય સંત દર્શન અને જે દર્શનથી આપણને આપણા લક્ષ્યની યાદ આવે તેવું સુંદર મજાનું પૂજ્યશ્રીનું સ્વરૂપ અને સ્વરૂપ દર્શન સાથે આજ આપનું ભંડારાનું સ્વાગત। બોલીએ સદગુરુ ભગવાન કી જય। સબકા મંગલ સબકા ભલા હો, ગુરુ ચાહના એસી હૈ। आसाराम जी हैं, इसीलिए तो आए धरा पर सद्गुरु आसाराम जी हैं। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। भारत का नया रूप बनाने, विश्व गुरु के पद पे बिठाने, योग सिद्धि के खोले खजाने, ज्ञान के झरने फिर से बहाने। धन को ऊपर उठाने, यौवन सही
प्रकाशी गुरानी बातों न सुनिए रे, गुरानी बातों न सुनिए रे, केम रहिए गुरु बिन केम रहिए, केम रहिए गुरु बिन केम रहिए, केम रहिए गुरु बिन केम रहिए। थाली मिली, कैलेंडर मिलू, पतेल मिलू, रूमाल मल्या, आज कार्यक्रम सरस लगे, सरस लगे। आज यह करम घंटी में पूज्य बापूजी के आश्रम में वीरपुर बहुत बड़ा भंडारा हुआ, रूमाल तेल और जीवन उपयोगी सामान वगैरह का वितरण किया, भोजन प्रसाद हुआ, हरि कीर्तन सत्संग का उन्हें लाभ मिला और यहाँ पे आए हुए सभी सत्संगी बहुत प्रसन्न हुए। पूज्य बापूजी की तरफ से ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में वगैरह कार्यक्रम सदैव होते रहते हैं और सभी को अपने धर्म संस्कृति के लिए कार्यक्रम करके उनको प्रेरित करते हैं।